कुछ गलत होता है तो मेरी आंखें झपकना बंद हो जाती। तू राजपीपला नहीं जाएगी। सिंह राठौर, आगे पढ़ने का मन नहीं। आप भी जा रही हो क्या? तेजस्वी जा रही है पढ़ने के लिए। प्रेम तुझसे दोबारा बात करने आए तो गलती से भी ये मत कह देना कि तूने धर्म सिंह के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला। यहाँ सबके सामने सजा मिलेगी। भाई अब इस गिरी हुई लड़की के लिए आप मुझे तूने पप्पा के नाम से झूठ बोला। गलती थी, बात को यही खत्म कर दीजिए। सॉरी अर्जुन। मत मारिए इसे। देख देख इसकी इंसानियत। तूने इस लड़की के साथ इतना गलत किया लेकिन ये आज भी तुझे बचा रही। अरे तूने अपनी झूठी शान बचाने के लिए मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे भाई पर क्या बीतेगी, इस प्रेम सिंह राठौर पर क्या बीतेगी। सिंह राठौर, अरे तूने पप्पा का झूठा नाम इस्तेमाल किया। तेरे चक्कर में मैंने इस लड़की को पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला। पूरे कॉलेज में घुमा के उसकी इतनी बेइज्जती करी, क्या कुछ नहीं बोला मैंने उसे। प्रेम सिंह राठौर मुठा बहन तुम्हारा डालेगी मेरे को। मैंने पता किया, वो लड़की अपनी ही कॉलेज की है। आनंद एक काम कर। जी। कॉलेज जा, वो लड़की को यहां लेकर आ। ठीक है मैडम। तेजस्विनी, हमें अभी का अभी अंकलेश्वर जाने के लिए निकलना है। हाँ पर क्यों मामा जी? अरे कुछ नहीं, तेरा एडमिशन हो गया है ना, तू 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 दो हफ्ते बाद वापस आ जाना। लेकिन मामा जी अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना, आप क्यों तेजस्विनी को वापस ले जा रहे हैं? हाँ मामा जी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन, हैं? तुझे दो हफ्ते बाद वापस तो आना ही है ना, तो तू एक काम कर, तू ये सामान अभी रहने दे, अभी तू चल मेरे साथ। मामा जी बाकी सब ठीक है, पर मामा जी मेरी पढ़ाई। अरे मेरी माँ, वो सब हम रास्ते में सोच लेंगे, अभी तू चल ना। पर मामा जी सिर्फ दो हफ्ते की बात है, हैं? तुझे वापस फिर आना ही है ना, तब तक है ना इधर सब शांत हो जाएगा, इसलिए तू चल ना अभी मेरे साथ, बहस मत करा। और कैसे इंसान हो तुम सबके सब? उस दिन मैं यहाँ सबके सामने उस लड़की को बेइज्जत करता रहा और तुम सबके सब यहाँ खड़े होके देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला, क्यों? प्रेम भाई कैसे बोलते, उस वक्त आप इतने गुस्से में थे कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, और फिर हम सबको लगता था कि अर्जुन आपका भाई है तो उसके खिलाफ तो आप कुछ सुनोगे ही नहीं। आज अपने इस भाई को सजा देकर मैंने इतना तो साबित कर ही दिया होगा, झिझकना सिर्फ गलत करने वालों को पड़ेगा, तो चाहे वो कोई पराया हो या फिर अपना। आज तूने मेरा बहुत दिल दुखाया अच्छा, आज के बाद तू मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कर। उस तरफ भी
अच्छा हुआ बेटा हम यहाँ से निकल गए, अब है ना अपन जल्दी से अंकलेश्वर पहुँच जाते ताकि जान छूटे हैं। जब जरूरत नहीं होता है ना तो ऑटो चाहिए टैक्सी चाहिए सब चिल्लाते रहेंगे, और जरूरत है तो कोई आसपास भी भटकता नहीं है। मामा जी प्लीज प्लीज मैं सर, सर, रियल चलिए भाभी तो धर्म सिंह राठौर के भाई है। नमस्ते मोटा भाई कैसे मामा जी? वो क्या है मोटा भाई, मैं इस शहर में नया हूँ तो प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए। तो चुप करना। हाँ हाँ क्यों नहीं बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके। हमें बस स्टैंड तक जाना है और कोई ऑटो रिक्शा वाला मिल ही नहीं रहा, तो प्लीज आप हमें जरा बस स्टैंड तक छोड़ दीजिएगा। अब बस तो क्यों जाना है आपको? अरे वो मैं सब आपको गाड़ी में बैठ के समझा दूंगा ना। है ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको बस स्टॉप छोड़ देता हूँ। मामा जी हम टैक्सी के लिए वेट कर लेते हैं ना, इनको क्यों परेशान करना। अरे बेटा कोई बात नहीं गाड़ी में बैठो, तुम लोगों को जहाँ जाना है मैं छोड़ दूँ। चल 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 अरे गाड़ी में बैठ। मेरी अरे बात गाड़ी में बैठ। सुनिए तो मेरी बात मामा जी। मामा जी अरे क्या सुनना है, तू बैठ ना अब जा रहे हैं हम। आपको कुछ गड़बड़ी सिर्फ माफी मांगने के लिए बोला है तो सिर्फ और सिर्फ माफी मांगने के लिए मुंह खोलना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक्सक्यूज मी मुझे ये बता दीजिए तेजस्विनी कहाँ है? वो तो अपने मामा जी के साथ अंकलेश्वर चली गई। अंकलेश्वर? आइए मोटा भाई। अरे ये किधर ले आए, हमको इधर नहीं जाना था। यही आना था आपको? अरे नहीं 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 मोटा भाई ये सही जगह नहीं है, हमने तो आपको बस स्टैंड पर जाने का नहीं बोला। जानता हूँ लेकिन वो क्या है ना कि आपकी सारी दिक्कतों का हल यही मिलेगा। मतलब ये धर्म सिंह राठौड़ का घर है। और मैं आनंद सिंह राठौड़ हूँ, राजपिपड़ा का विधायक। धर्म सिंह राठौड़ का छोटा भाई। आइए आ रही है, डरिए मत आइए। अब आपकी जितनी भी शिकायत है ना
उन्हें डायरेक्ट कीजिएगा, फेस टू फेस, है ना? चलिए आई। एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ? मेरा फोन बज रहा है। अच्छा ले लो। हाँ ले लो, भेजो बेटा, चलो तू। मोटा भाई आप जब पहली बार हमसे दूर गई है इसलिए चिंता हो रही है, और जब से राजपिपला का कांड सुना है ना तब से तो अजीब सी बेचैनी हो रही है। बस आप उस पर नजर बनाए रखना। कैसा लगा हमारा घर? बहुत खूबसूरत है अंकल। तुम रुको, मैं भी आता हूँ। ये ठीक नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है। परेशान क्यों लग रही हो? कुछ गलत होने वाला है, पता नहीं पर मेरा दिल कह रहा है कुछ गलत होने वाला है। गलत? मोटा भाई, तेजस्विनी। बेटा तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाय। आंटी आपका पाँव कैसा है अब? अभी ठीक है बेटा। सुने ना, कौन है? ये वही लड़की है जिसने मार्केट में हम लोगों की जान बचाई थी। जय श्री कृष्ण। बेटा हाथ आज तू नहीं, तेरे आगे धर्म सिंह राठौड़ हाथ जोड़ेगा। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत करिए। मेरे परिवार की रक्षा करके तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। धर्म सिंह राठौड़ जिंदगी के आखिरी सांस तक नहीं भूलेगा। मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। ना, वो तेरा फर्ज नहीं था, वो तेरा बड़प्पन था। बाकी अपनी जान पर खेलकर अनजानों की जान की रक्षा करना, ये आज के जमाने का दस्तूर नहीं है। अंकल, लोगों की मदद करना मेरी आदत है जो मेरे माता पिता ने सिखाया मुझे। तूने मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है वो कोई अपना भी किसी के लिए नहीं करता है। इसीलिए मैं धर्म सिंह राठौड़ तुझसे वादा करता हूं कि तू जब तक यहां राजपिपड़ा में रहेगी मेरी बेटी बनकर रहेगी। ये घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए खुले रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो बेझिझक तू मेरे पास आकर बता देना। अरे बेटा, तू तो मेरे परिवार की मसीहा है, तेरी वजह से आज मेरे परिवार के लोगों की जान बची है। अब तेरी रक्षा ये धर्म सिंह राठौड़ करेगा।
आपने मांगा था मैं ले आया, पर प्रेम भाई एक बात नहीं समझाती। क्या? आपको तेजस्विनी मेहता के अंकलेश्वर वाले घर का पता क्यों चाहिए? उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक्स। मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने तेजस्विनी। थैंक्स एंड सॉरी दोनों बोल। कौन जा? मामा जी। अरे तो वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। आओ 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 आओ। नहीं, मेरी बेटी राजपिपला नहीं जाएगी। पर मैं क्या बोलता हूँ, ना तेजस्विनी धर्म सिंह राठौड़ को जानती है, ना धर्म सिंह राठौड़ तेजस्विनी। फिर उन दोनों का आमना सामना होगा क्यों? नहीं हो, इसीलिए तो नहीं भेज रही मैं उसे राजपिपला। हे भगवान, मोटी बहन को पता चलेगा तो मैं ऊपर जीजा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। हेलो। हेलो। हाँ रिनू, बोलो। प्रेम मिला क्या तुझे? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे ऑफिस से एड्रेस लेके घर गया है वो तेरे अंकलेश्वर, ढूंढ रहा है तुझे वो। अंकलेश्वर? काका? बोलो मोटा भाई। ये एड्रेस क्या है? अरे आ तो अपना तेजस्विनी का है, पता है। हाँ हाँ, वो उसी का ही घर है। तेजस्विनी के बारे में पूछ रहा था। कौन लड़का? वो जो गया ना अभी, मैंने आपका घर का पता बता दिया है, वो अभी वही गया आपसे मिलने के लिए। मोटा बहन, ये कौन लड़का था जो हमारी तेजु के बारे में पूछ रहा था? आपको कुछ बताया उसने? नहीं तो, मुझे तो कुछ बताया नहीं उसने। है? तो फिर जल्दी चलो, पता नहीं कौन है। चलो मोटा बहन चलो। इसमें जल्दी से प्रेम का नंबर दे। मेरे घर पहुंच गया और उसने अगर माँ को कुछ भी बता दिया ना तो माँ मेरी पढ़ाई बंद करा देगी, मेरे को घर में बंद कर देगी। ठीक है, ले नंबर। हाँ। क्या बहन? मोटा बहन, मैं क्या बोलती हूँ, कौन लड़का होगा जो हमारी तेजा के बारे में पूछ रहा था? पता नहीं, सच बोलो तो मुझे डर लग रहा है, कहीं तेजू ने वापस अपनी समाज सेवा तो नहीं शुरू कर दी। नहीं नहीं मोटा बहन, ऐसा नहीं होगा। चलो चलो चलो, कोई और ही होगा। कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रही हूँ तेजा। तेजा? कौन तेजा? I mean, तेजस्विनी, कहाँ हो तुम? अरे मैं तो तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर पे हूँ। तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? वो सब कहानी मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे मैं तो तेरे से मिलने आया था ना, हमारी बात ही नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि हम शाम को चाय पे बैठ के बात कर लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी की अभी मेरे घर से निकलो। क्या? तेजस्विनी, तुम प्रेम सिंह राठौड़ की बेइज्जती कर रही हो। I'm really sorry, प्रेम, पर मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरे घर से निकलो। क्यों? क्यों निकल जाओ तुम्हारे घर से? तुम्हारे घर में कोई बम है क्या? हाँ, वही समझ लो, मेरे घर में बम है, वो तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए है। देखो प्रेम, बात को समझने की कोशिश करो।
अगर मेरी माँ को आज के कांड के बारे में कुछ भी पता चल गया ना तो वो मेरा पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करा देंगी, घर में बंद कर देंगी यार। प्लीज मेरी बात को समझो। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर तुम वहीं रुकना, मैं अभी आगे तुमसे मिल रहा हूँ। तुम सब गर्ल्स को समझाना भी ना एकदम इम्पॉसिबल है। ए पापा, रे पापा। अरे मोटा भाई, थाली गिरी है, थाली, गोलियां नहीं चली यहाँ पर, चिंता मत कीजिए, खाइए। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मेरा खाना हो गया है, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप, थोड़ी और खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। तेजस्वी बेटा। कोई बात नहीं बेटा, मैंने ही नहीं देखा, मेरा ही गलती थी। आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। आप खाली ये फोन पकड़ लीजिए। अच्छा मोटी बहन, आते हुए सामान लेकर फिर पता करेंगे वो कौन लड़का है जो तेजस्विनी के बारे में पूछ रहा था। ओह गॉड, ये तो मामी की आवाज है। वो कौन? माँ और प्रेम आमने सामने, अब मेरी पोल खुल जाएगी।